दोस्तों, जब भी हम कोई प्लांट लेकर आते हैं और अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं उसी गमले में, या फिर उसको बिना इसकी मिट्टी को निकाले हम दूसरे गमले में लगा देते हैं, तो क्या होता है वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। थोड़े ही दिन में वो प्लांट क्यों ख़राब होने लगता है, क्यों उसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो जब इस प्लांट की, देखिए, धीरे धीरे मैं मिट्टी हटा रही हूँ, हटाते हटाते जब आप बिल्कुल जड़ों तक पहुँचेंगे, तो कभी कभी आप किसी किसी प्लांट में देखेंगे या तो कोई जाली लगी होगी या फिर कोई भी किसी तरह का कोई कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ आपको मिलेगी जिससे उसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से बंधी रहेंगी। अब आप देखिए, साइड से सिर्फ इसकी जड़ें निकल रही हैं और बीच की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल इसके अंदर पैक हैं, और ये पैकेट गलने वाला नहीं है इतनी आसानी से। ये मेरे हाथ से भी बहुत मुश्किल से हट रहा है, बिल्कुल भी नहीं फट पा रहा है। तो जो बीच की जितनी भी जड़ें हैं वो सब इसके अंदर ही फंसी हुई हैं, वो बड़ी नहीं हो पाई हैं आज तक। इसलिए मैं प्लांट की ज़्यादातर मिट्टी हटा के फिर देखती हूँ कि जड़ में कुछ है तो नहीं। हर एक प्लांट में नहीं होता है, किसी किसी में इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। किसी किसी नर्सरी पर जो इस तरह से प्लांट कभी इसमें लगा होगा, बस उसी तरह से बस दूसरे में लगा देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बेचने से मतलब है। तो बीच में से इसकी रूट्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हैं, ऐसा लगता है इस प्लांट को देखने से किसी ने इसका गला घोट दिया हो। जब तक पौधे की जड़ें खुली ना हों तो पौधा खुश कैसे रहेगा, तो इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों की वजह से ही हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं जल्दी जल्दी। पौधे की पत्तियाँ पीली होने लगेंगी, अब पानी भी इसमें ज़्यादा रुकेगा और बीच की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाएंगी। तो ये सब देखिए पूरा मैंने हटा दिया है, और अभी जो इसकी ये बीच में जो जड़ें छोटी रह गई हैं, बिल्कुल बढ़ी नहीं है, अब ये पौधा पूरा खुल के बढ़ेगा। तो देखिए, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी रह गई है बीच में, और साइड से जो निकल पाई वो दो चार जड़ें हैं जो निकल गई, अभी नहीं तो सारी ही जड़ें इसकी इतनी बड़ी होती। तो नर्सरी से लाए पौधे की मिट्टी हटाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है कि अंदर से जड़ें सारी खुली हुई हैं या फिर नहीं। इस पौधे को मैं इस बत्तख वाले प्लांटर में लगा रही हूँ, ये मेरा एक खाली है, तो इसमें सिंगोनियम बहुत अच्छे से चलेगा, और अच्छे से इसमें लगाने के बाद मैं इसमें पानी दे दूँगी। तो दोस्तों, अगर हम नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं और उसको ऐसे ही हम बिना जड़ खोले रख देते हैं, तो पौधा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बहुत अच्छे से नहीं चलता है। हाँ, ज़मीन वगैरह में अगर आप लगाएं तो फिर भी उम्मीद है, क्योंकि ज़मीन में कैसे भी करके वो जड़ फैला लेगा। लेकिन अगर हम गमले में लगाते हैं, वैसे ही गमला छोटा है, उसमें ऊपर से उसकी जड़ें और बंधी हुई हैं, तो बहुत मुश्किल रहता है उस पौधे को बचाना। तो इसलिए उसको खोल कर चेक करके नई मिट्टी में लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये काम बहुत आराम आराम से धीरे से करें, ताकि जड़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा टूटे वूटे ना, आराम से निकल जाती है मिट्टी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय। जय सियाराम।